उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में कुछ दिनों से श्री बालाजी हांसी धाम के तत्वाधान में दिव्य अदालत का आयोजन महंत डॉक्टर दिनेश कुमार के संरक्षण में नगर पंचायत ब्रजमनगंज में किया जा रहा है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारी टीम लगातार लोगों से संपर्क में है और कार्यक्रम के दौरान हर छोटी से बड़ी पहलुओं पर लोगों से बातचीत कर वहां की पूरी गतिविधियों को आंखों देखी हर एक एक पल की पड़ताल की, जो कुछ इस प्रकार से है। जानिए श्री बालाजी हांसी धाम है क्या। पहले तो आपको ये बता देना जरूरी है कि श्री बालाजी हांसी धाम मेहंदीपुर बालाजी सेवा ट्रस्ट से इनका कोई सरोकार नहीं है, बल्कि ये हरियाणा में स्थित जिला हिसार के हांसी नामक स्थान पर ट्रस्ट बनाकर संचालित किया जाता है, जबकि मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में स्थित है। इस पे हम ये कहना चाहते हैं, अगर ये बाबा जी हैं, ये धर्म तो बाबा जी हैं तो ये धर्म का प्रचार करें, प्रवचन करें। ये क्या बोलता है, किसी एक विशेष व्यक्ति के राजनीति के का प्रचार न करें। और वहाँ हम तमाम बातें सुने हैं कि मतलब वहाँ जो है क्या बोलता है, ये बाहर एक दान पेटिका है, वहाँ उसमें चंदा जमा कराया जा रहा है, फिर उसके बाद क्या बोलता है अंदर से पर्ची कट रहा है, मतलब ऐसे तमाम ये और दुनिया भर का ये दवा का ये व्यापार कर रहे हैं, ये सब ठीक चीज़ नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ की स्थितियाँ जो दिख रही हैं वो सीधे सीधे ये दिख रहा है कि केवल पब्लिक को गुमराह करके हाजीपुर बालाजी के फर्जी संस्था के नाम पर एक यहाँ पे पब्लिक को जो है भोली भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और बाबा जी का जो है उत्तेजनापूर्ण व्यवहार वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया। साथ ही मुझे भी काफ़ी बुरा लगा कि जब बाबा जी ने माइक पकड़ कर आम पब्लिक को हराम खोरों शब्द से संबोधित किया, ये कहीं ना कहीं इस तरह के ढोंगी बाबा जी का जो है खुलेआम जो है इनका चारित्रिक लक्षण दिखाई दे रहा है कि ये वास्तव में क्या है, वास्तव में भक्तिपूर्ण बाबा जी हैं या ये ढोंगी बाबा जी हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।